हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। मैं आपके दोस्त, आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का एक और मात्रा। जी हाँ, एक और मात्रा, र की मात्रा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपकी अपनी पुस्तक स्वर तरंग बाय ब्रेन रूट से रे की मात्रा। और बच्चों, ये री की मात्रा है और इसकी पहचान क्या होती है इस मात्रा की, ऐसे लगता है रे ऐसे। तो इसको हम कौन सा मात्रा बोलते हैं, री की मात्रा, री की। जैसे कि द है, द में अगर हमने ऐसे री की मात्रा लगा दी, द्र द्र ग, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसका उच्चारण होगा द्र। व में अगर हमने नीचे री की मात्रा लगाती हूँ, व्र वृक्ष वृक्ष। त में मैंने री की मात्रा लगा दी, तृण तृण। माँ में मैंने री की मात्रा लगा दी, मृ ग मृग। क में मैंने री की मात्रा लगा दी, क्र श क कृषक। व में मैंने री की मात्रा लगा दी और श और भा, व्र श भ वृषभ। तो इसको कैसे बोलते हैं, व्र ग्य। जैसे व्र है, इसके नीचे व्र के, तो वृक्ष, द्रग, तृण, मृग, क्र वृषभ। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। धा में री की मात्रा है ध्रत, मा में री की मात्रा है मृग मृत, द्रग व्रत मृदु, ऋण तृण ऋतु, दृण नृप। मुझे देखिए, ग्रह। फिर का में फिर री की मात्रा, तो कैसे बोलेंगे, क्र कृपा, घृणा, कृषि, कृति, पितृ, मातृ, ऋषभ, हृदय, मृदुल, कृतज्ञ, कृपाल, कृपाण, कृपाल, तृतीया, पृथक, घृणित, आकृति। क्योंकि इसके नीचे र की मात्रा है, इसको कैसे हम उच्चारण कर रहे हैं, र से, आकृति, दृश्य, ग्रहणी। तो हम कौन सी मात्रा का अभ्यास कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं री की मात्रा, जो जिसकी पहचान होती है ऐसे करके। और अब हम करेंगे वाक्यों से, धीरे धीरे पढ़ूंगी, मेरे साथ दोहराएंगे आप सब लोग। अमृत, ये देखो ये मात्रा है, ये मात्रा की पहचान के लिए इसमें अलग सा निशान है जिसे आपको पता चल जाएगा। अमृत एक कृषक था, कृषक, नृप की भूमि पर, कृषि का कृषि कर, मृदा की परख कर, अमृत नृप का कृतज्ञ रहा, दयालु हृदय रख, भ्रकुटी मत तान, कृपया गृहिणी का आदर कर, मृदुल बन एक मृग तृण चर रहा था, ऋषि का आदर कर, मातृ भूमि की रक्षा कर। हम किसका अभ्यास कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं री की मात्रा का अभ्यास, इसकी री की मात्रा का अभ्यास कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इनको सही शब्दों में लिखेंगे, अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। सबसे पहले है ज स्र न, तो इसको हम सही कैसे करेंगे, स सम, मैंने र की मात्रा लगा दी, क्या बन गया, सृजन सृजन। मृ अत लिखा है तो इसको कैसे ठीक करेंगे, सही क्रम है अमरत अमृत, पाक्रल, तो इसको सही क्रम में कैसे लिख देंगे, कृपाल कृपाल। और अब है हृदय हृदय, और फिर क्या है द्र, इसको भी सही करेंगे द्र श या, इसमें ने र की मात्रा लगाती जा रही हूँ, देखिए इसमें ने यहाँ पे र की मात्रा लगाई, अब यहाँ पे है
इसको सही क्रम में लिखेंगे, ये देखो र की मात्रा लगा दी, क्या बन गया प्र, प्रथक, प्रथक। ऐसे ही ता में मैंने रा की मात्रा लगा दी, त्रण, त्रण। फिर से मैंने इसको सही करना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे, व्र, व्र, ये देखो क्या बन गया व्र शभ, वृषभ। तो बच्चों हम कौन सी मात्रा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं र की मात्रा। और इसको कैसे उच्चारण होता है, त, ता में अगर र की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा त्र, पा में अगर रा की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा प्र, जैसे का में रा की मात्रा लगा दी तो बन गया कृपाल, तृण। तो बच्चों आप इसका पुनः बहुत बहुत इसका अभ्यास करते रहेंगे और बहुत जल्दी एक नई मात्रा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।